नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम ये वीडियो पिछले जो हमारे टेस्ट सीरीज की वीडियोस हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वीडियोस जो है आज का वो इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन से संबंधित है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। ये जो हमारा प्रोग्राम है, पहले भी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग एमबीपीएससी के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अंतर्गत प्री और मेंस के लिए विभिन्न विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शंस: आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। इसका आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऑप्शंस: ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना, म्यांमार एवं भूटान से मिलती है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन तीनों देशों से मिलती है। तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 3, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? पचमढ़ी, ऑप्शन बी मेकाल, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी धूपगढ़। इसका करेक्ट आंसर है धूपगढ़। सतपुड़ा जो कि 4 श्रेणियों में बटा हुआ है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रारंभ करें तो पहला राजपीपला, दूसरा ग्वालीगढ़, तीसरा महादेव श्रेणी, चौथा मैकाल श्रेणी। धूपगढ़ जो कि महादेव श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण दिया हुआ है दोस्तों इसका, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये आंसर है बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वो इस कारण नहीं करता क्योंकि हिमालयी नदियां सतत वाहिनी उनकी वर्षा के कारण नहीं है, बल्कि हिमालयी नदियों का सतत वाहिनी होना ग्लेशियर की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहला जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, तीसरा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, चौथा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर है ए। दोस्तों जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे, इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, हम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जान लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वो इस प्रकार है, सबसे नॉर्थ में हम जाएंगे तो काराकोरम, काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, तीसरा है जास्कर और फिर है धौलाधर। ये है, यह क्रम उत्तर से दक्षिण का है। उसी आधार पर
हम इसे दक्षिण से उत्तर की ओर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिडुअल का अर्थ होता है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है किलिमंजारो, तीसरा है माउंट एटना, चौथा है अरावली। इसका सही उत्तर है अरावली। अरावली जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित प्राचीन पर्वत है, जिस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण विमल शाह ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा, बी मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र, सी नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, डी सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु। इसका सही आंसर है मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र, क्योंकि मांडव पहाड़ियां गुजरात में है स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है बी। नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दोस्तों घाटियां दी गई हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए मरखा घाटी, मरखा घाटी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी जुकू घाटी, जुकू घाटी दोस्तों नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सांगला घाटी, सांगला घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी युथांग घाटी जो कि सिक्किम में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दोस्तों पहाड़ी दर्रे जो पासेस दिए गए हैं और सूची 2 में स्टेट दिए गए हैं जिस स्टेट में वो स्थित है, तो आपको सही पासेस सही स्टेट में चिन्हित करने हैं। ऑप्शन ए बनिहाल, बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नाथुला पास सिक्किम में स्थित है। नीति पास उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किला पास हिमाचल में स्थित है। इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। बनिहाल पास से होकर ही हाईवे 1A गुजरता है। जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नाथुला पास तिब्बत जाने के लिए सिक्किम से रास्ता उपलब्ध कराता है। 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद से यह व्यापार एवं अन्य आवागमन हेतु बंद कर दिया गया था। इसको पुनः 2006 से खोल दिया गया है। नीति पास उत्तराखंड में स्थित है, जो कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता प्रदान करता है। सिक्किला पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिससे सतलज नदी भारत की में प्रवेश करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी रुंडम, सी गंगोत्री, डी केदारनाथ। इसका सही आंसर है गंगोत्री। गंगोत्री का विस्तार 26 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, वहीं कंचनजंगा का विस्तार 16 वर्ग किलोमीटर में है। रुंडम का विस्तार 19 वर्ग किलोमीटर में है
और केदारनाथ का विस्तार भी 19 वर्ग किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत का टोटल समुद्री तट है दोस्तों 7516 किलोमीटर तथा जो राज्य जिसकी सर्वाधिक समुद्री तट भारत में है वो है गुजरात तथा दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। गुजरात का 1214 किलोमीटर भाग समुद्री तट से मिलता है, वहीं आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर भाग समुद्री तट से मिलता है, तो इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उत्पत्ति, ऑप्शन सी मृदा निक्षेपण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं। इसका सही आंसर है प्रवाल उत्पत्ति। प्रवालों की उत्पत्ति के कारण ही लक्षद्वीप बना है। प्रवाल दोस्तों समुद्र में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के जीव होते हैं तथा इनके एकत्रीकरण से ही प्रवाल द्वीपों का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वर, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई जो कि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन द्वीपी शहर है, यह महाराष्ट्र की राजधानी भी है, वहीं पणजी गोवा की राजधानी है व पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है। रामेश्वर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कोंकण तट किससे प्रभावित हुआ है? ऑप्शन ए सामुद्रिक अतिक्रमण, ऑप्शन बी सामुद्रिक प्रतिकरण क्रमण, ऑप्शन सी बाढ़ या ऑप्शन डी महादेश रचना संबंधी हलचल। इसका सही आंसर है सामुद्रिक अतिक्रमण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए पूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला कूट देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तीसरा अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। इसका सही आंसर है 1, 2, 3 यानी कि ए। ऑप्शन 4 केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ नहीं है, यह यहां शंकराचार्य की समाधि बनी है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि शंकराचार्य द्वारा निर्मित भारत में चार बड़ी पीठें कहां स्थित हैं। सबसे पहली गोवर्धन मठ, ये उड़ीसा पुरी में स्थित है। नंबर दूसरा शारदा पीठ, यह कर्नाटका में श्रृंगेरी में स्थित है। तीसरा द्वारका पीठ, यह गुजरात में स्थित है। चौथा ज्योतिर्मठ, यह उत्तराखंड में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही आंसर है दोस्तों कावेरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी
जो कर्नाटका में स्थित है, वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। वहीं गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है व नर्मदा का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश में होता है। वहीं दामोदर का उद्गम क्षेत्र झारखंड का पलामू जिला है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कावेरी, सी ताप्ती, डी महानदी। इसका सही आंसर है ताप्ती। ताप्ती व नर्मदा दोनों ही नदियां ब्रंश घाटी से बहकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये नदियां गोदावरी ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, जिसका प्रमुख कारण है इनका एक ब्रंश में बहना व तीव्र गति से समुद्र में मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। ऑप्शन बी गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन सी कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन डी ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। दोस्तों इसका आंसर है सी, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक जिले से होता है। जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है? दोस्तों इसमें नदियों के नाम दिए गए हैं तथा आपको यह बताना है कि यह अन्य से किस तरीके से अलग है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर है महानदी, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती व सिंधु दोनों ही अरब सागर में जाकर मिलती हैं व महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो इसीलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? दोस्तों इसमें एक तरफ शहर का नाम दिया गया है व दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है तथा हमको यह बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे नहीं बसा है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, साबरमती नदी। ऑप्शन बी हैदराबाद, कृष्णा नदी। ऑप्शन सी कोटा, चंबल नदी। ऑप्शन डी नासिक, गोदावरी नदी। दोस्तों इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? दोस्तों इसमें जलप्रपात व नदियां दी गई हैं। हमें सही जलप्रपात का सुमेल नदियों से करना है। ऑप्शन वन कपिलधारा जलप्रपात, गोदावरी। ऑप्शन टू जोग प्रपात, शरावती। थ्री शिवसमुद्रम प्रपात, कावेरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें जोग जलप्रपात शरावती नदी के किनारे स्थित है, वहीं शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, लेकिन कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, इसलिए यह आंसर गलत है। इसलिए आपका सही उत्तर है बी, दो व तीन। पहले मैचिंग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित संस्कृत नामों को सुमेलित करें। दोस्तों इसमें हमें नवीन नदियों के नामों को प्राचीन नामों से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए व्यास नदी,
ब्यास नदी को विपाशा कहते थे। बी चिनाब नदी, चिनाब नदी को अश्किनी कहते हैं। ऑप्शन सी रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी है। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। गोदावरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा किस तरह का है? ऑप्शन ए अग्रवर्दी, ऑप्शन बी लॉबेट, ऑप्शन सी पच्छी पंजा, ऑप्शन डी पंखाकृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंखाकृति। गोदावरी नदी का डेल्टा पंखाकार आकृति का है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। दोस्तों, उच्च हिमालय भारत को विशिष्ट जलवायु उपलब्ध कराता है, लेकिन इसका जो उत्तर है कि यह स्पष्टीकरण नहीं करता, जो हमारा कथन है उसको स्पष्टीकरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 26। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन बी उनकी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी शिमला में बर्फबारी, ऑप्शन डी अमृतसर में प्रदूषण। इसका सही उत्तर है ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता। दोस्तों, अमृतसर 768 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहीं शिमला 7866 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी कारण उनके एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कथन, प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। कारण, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। इसका सही उत्तर है सी। दोस्तों, ए सही है, कथन हमारा सही है, परंतु कारण गलत है, क्योंकि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा नहीं होती, बल्कि उत्तर भारत में प्रतिचक्रवाती स्थितियों के पैदा होने का प्रमुख कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए पर्वतीय आद्र शीतोष्ण वन, ऑप्शन बी उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय आद्र सदाबहार वन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। वहीं जो ऑप्शन ए है पर्वतीय आद्र शीतोष्ण वन, वो 1500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ऑप्शन बी उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ये 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय आद्र सदाबहार वन, इनमें इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तथा भारत में उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अतः उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए टीक जम्मू एंड कश्मीर, बी देवदार मध्य प्रदेश, सी चंदन कास्ट केरल, डी सुंदरी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों सुंदरी। सुंदरी वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, वहीं टीक वन केरल में पाए जाते हैं, व देवदार जे एंड के में पाए जाते हैं, तथा चंदन कास्ट
कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 30। कथन, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं। कारण, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका सही उत्तर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि दक्षिणी ट्रैप की जो काली मिट्टी है वो रेगड़ के नाम से जानी जाती है, परंतु उनमें चूना, लोहा, कैल्शियम, पोटेश की अधिकता होती है व ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। इसलिए हमारा सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन लोह क्षेत्र है? ऑप्शन ए सीवान, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी कुद्रेमुख, ऑप्शन डी सिंहभूम। हमारा सही आंसर है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है, वहीं झरिया व सिंहभूम कोयला क्षेत्र हैं, जो झारखंड में स्थित है। हमारा सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 32। बेलाडिला खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए लोहा आयस्क से, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी अब्रक। इसका सही उत्तर है ए। बेलाडिला खान लोहा आयस्क से संबंधित है। यह दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बॉक्साइट अयस्क है? ऑप्शन ए सीसा का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी जस्ता का, ऑप्शन डी तांबा का। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, तथा राजस्थान का क्रमांक दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन ए झारखंड तथा उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है झारखंड तथा छत्तीसगढ़। ये दोनों ही छोटा नागपुर के पठार में स्थित है, जहां प्रमुख रूप से कोयला उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में दोस्तों कोयला उत्पादक क्षेत्र है, वहीं सूची दो में कोयला की खदान है। दामोदर घाटी में बराकर खदान है। सोन घाटी में उमरिया खदान है। गोदावरी घाटी में सिंगरेनी खदान है। महानदी घाटी में तलचर की खदान है। इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र। वहीं गुजरात व राजस्थान क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तेल शोधन का मतलब रिफाइनरी। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी कोयली, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिगबोई।
जो कि वर्ष 1901 में असम में स्थापित की गई थी। वहीं हल्दिया पश्चिम बंगाल में वर्ष 1975 में स्थापित की गई थी। कोयली गुजरात राज्य में 1965 में स्थापित की गई थी। वह मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य में 1982 में स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर है टिकोल। क्वेश्चन नंबर 39। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची दो में एक में दोस्तों खनिज है व सूची दो में उनके उत्पादन क्षेत्र है। लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र क्यों झोर में होता है? क्यों झर? तांबा का उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी है। कोयला का उत्पादन क्षेत्र कोरबा है। वहीं अब्रक का उत्पादन क्षेत्र कोडरमा है। इसका सही आंसर है सी। दोस्तों खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, क्योंझोर उड़ीसा में स्थित है, कोडरमा झारखंड में स्थित है, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 40। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी मोनाजाइट। इसका सही उत्तर है थोरियम। केरल के तट पर मोनाजाइट रेत पाया जाता है जिसमें परमाणु खनिज थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। इसका सही उत्तर है 3%, जो कि लगभग 2.88% है। भारत में कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में दोस्तों नाभिकीय शक्ति केंद्र है, वहीं सूची दो में जो राज्य दिए गए हैं जिनमें वे स्थित है। पहला कोटा, कोटा स्थित है राजस्थान में। दूसरा तारापुर, तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। तीसरा काकरापार, काकरापार स्थित है गुजरात में। वहीं नरोरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है बी। काकरापार भारत का पहला इंडिजिनस नाभिकीय शक्ति केंद्र है जो गुजरात में स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन ज्वारी ऊर्जा का मुख्य क्षेत्र है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी या ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। इसका सही उत्तर है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में प्रमुख रूप से ज्वारी ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ ज्वार भाटा की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 44। अंटार्कटिका में तीसरी भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है? ऑप्शन पहला सरस्वती, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी अन्वेषण, ऑप्शन डी यमुनोत्री। इसका सही उत्तर है दोस्तों भारती, ऑप्शन बी। पहला शोध केंद्र वर्ष 1983 में दक्षिणी गंगोत्री के नाम से स्थापित किया गया था। वह दूसरा 1989 में मैत्री के नाम से स्थापित किया गया था। वहीं तीसरा भारती जो कि 2012 में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है कानपुर।
क्वेश्चन नंबर 46। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी मैसूर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागपुर। 1 मार्च 1948 को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। हर के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ऑप्शन ए रावी और ब्यास, ऑप्शन बी झेलम और चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब और सतलज, ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। इसका सही उत्तर है डी ब्यास और सतलज। हरिके बैराज जो पंजाब में स्थित है, जहां ब्यास और सतलज नदियों का संगम है, इसी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एवं महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। यह सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है व गुजरात के भरूच जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 163 मीटर है। विश्व का दूसरा एवं भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। इसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1961 में रखी थी तथा 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 1450 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन ए बरगी, ऑप्शन बी ओंकारेश्वर, ऑप्शन सी इंदिरा सागर, ऑप्शन डी उकाई। इसका सही उत्तर है दोस्तों उकाई। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है तथा बरगी, ओंकारेश्वर व इंदिरा सागर तीनों बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50। नागार्जुन सागर स्थित है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी पेनगंगा नदी पर, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। यह तेलंगाना में स्थित है। थैंक यू दोस्तों। हमारी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की सीरीज जल्दी आपको अपलोड की जाएगी। आप यूं ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के प्रेस आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।